हेलो बच्चों, मैं इस वीडियो में जेई एडवांस के बारे में बात करेंगे और जेई एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो बच्चा जस्ट जेई मीन्स क्लियर किया है, क्या वो बच्चा जेई एडवांस निकाल सकता है? तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन उसके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थोड़ी सी 1 मंथ बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। क्या करना है उसे? मैं जैसे आज MCQ सिंगल टाइप वाले क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है, और प्रिपरेशन करते समय बच्चे को ध्यान क्या देना है कि वन टाइप सिंगल टाइप वाले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना, और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है उसके जेई एडवांस के हर ईयर का क्वेश्चन टॉपिक वाइज अभी कमांड बनाए। अगर इस तरीके से करता है और उस पेपर के इजी और मॉडरेटेड लेवल का प्रैक्टिस कर ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों बैलेंस करके चलता है, तो जस्ट जेई एडवांस का, जैसे मेंस का क्लियर किया है, जस्ट जेई एडवांस का भी कट ऑफ क्लियर कर लेगा और उसका एडमिशन IIT में हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा भी अगर दिमाग से नहीं चलेगा और प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाया तो जेई एडवांस में नॉट क्वालिफाइड हो जाएगा, भले ही उसका जेई मेंस में अच्छे परसेंटाइल हो। मेरी बात समझे? तो आज मैं वीक और एवरेज बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं और उन्हीं को मोटिवेट करने वाला हूं। अगर आपने अगर जेई मेंस क्लियर कर लिया है तो जेई एडवांस में लग जाइए। अगर जेई एडवांस में अगर आपका हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो मैं जेई एडवांस के बारे में बात करेंगे और इसमें बिल्कुल आपका टाइम लॉस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जेई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने ऐसा करके लाया हूँ। ये कब का क्वेश्चन है अपना? ये जेई एडवांस में 2008 से शुरू कर रहा हूँ, पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताता भी रहूँ ताकि आप नेट पे पेपर सर्च करके देख लें, नहीं तो अगर इजी क्वेश्चन आपको लग जाएगा तो लगेगा सर ऐसे ही कोई क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, बोल ले जेई एडवांस का है, तो नेट पे पेपर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसके बारे में बात करते। ये कह रहा है, एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड सच दैट PT² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैसेज, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन इसमें सिर्फ क्या गिवेन है? इसमें गिवेन है PT² गिवेन है, तो मैं इसे K मान लेता हूं। मेरी बात समझे? और इसमें कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछ रहा है, तो जेई एडवांस के लिए अलग से कोई डेरिवेशन या फॉर्मूला लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गामा वी डेल्टा टी। ठीक है, ये नीट वाले बच्चे भी जानते हैं, अगर नीट का कोई बच्चा वीडियो देख रहा हो तो समझ जाएगा। यहाँ से गामा को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DV = γVdT भी लिख सकते हैं सिंपली। तो गामा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, DV / VdT, या सिंपली लिख सकते हैं ऐसे DV / DT एक साथ ले लेंगे, / V लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। इसको एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, जेई एडवांस क्लियर करने के लिए माइंड तो चाहिए ही, यानी आपके जो अप्रोच है, थिंकिंग लेवल है, उसको बूस्टअप करो, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे लगेगा, है ना। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, आपको यह भी पता होगा PV = क्या होता है, NRT होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सिंपली अगर इसमें इस पी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, यही रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आएगा K / T², इससे रिप्लेस करो, चाहे उससे इसे रिप्लेस करो या उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आंसर सेम आएगा। यहां से P की वैल्यू यहां रख दिया, K / T² × V = NRT। अब यहां से V कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, NRT³, क्योंकि यहां स्क्वायर है, इधर जाएगा तो पहले से एक टी है, तो T³ / K हो जाएगा, ये वी की वैल्यू आ गई। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, DV / DT, जेई एडवांस का बच्चा है तो मैथ तो उसको आता ही है, ये एन आर और के ये है कांस्टेंट, तो इससे हमें मतलब नहीं है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए NR / K, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3T² ठीक है। सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देना है, इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे इसको उल्टा कर लीजिए, ये वी है, तो अगर यहां से 1/V अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, K / NRT³, तो इसे इजीली हो जाएगा, DV / DT, मतलब इसे कह रहा हूं DV / DT × 1/V, तो ये कितना है, NR / K 3T²
1/v की वैल्यू क्या हो गया, k अपॉन एन आर टी की पावर 3। ये k से k कैंसिल हो गया, एन आर से एन आर कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे एक टी बचेगा, यहाँ 3 बचा और यहाँ टी बचा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/t। अच्छा आपको ये लग रहा है कि जेई एडवांस का बहुत कठिन क्वेश्चन है, नहीं, लेकिन आपके 3 मार्क्स गेन हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को सिस्टमेटिकली पढ़ो, डेफिनेटली आपके जेई एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर मैं मेंस क्लियर कर लिया हूं तो एडवांस हो मेरे मान का है नहीं, ऐसा थोड़ी ना है भाई। अभी पेपर हुआ कहाँ, पेपर होने के बाद आप पेपर सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन आपसे लग जाएगा तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए मेंटली पहले प्रिपेयर हो जाओ, एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम ढंग से पहले दो, उसके बाद डिसाइड करना क्या होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये क्या है, ये जेई एडवांस 2010 में पेपर 1 में आया था, पेपर 1 भी लिख दिया हूं ताकि अगर आप डाउनलोड करें तो कंफ्यूजन है, पेपर 1 डाउनलोड करना है पेपर 2। इसमें कह रहा है और रियल गैस बिहेव लाइक एज ए आइडियल गैस। जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में उसके एजम्पशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा रियल गैसेस और आइडियल गैसेस। तो इसमें आइडियल गैस के रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस, जो रियल गैस हो आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करता है, जब उसका प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। तो प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये तो ऐसे ही 3 नंबर किसी बच्चे को मिल गया होगा अगर 2010 में जो पेपर दिया होगा, तो 2023 में भी जो पेपर आएगा वो भी सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड पेपर आएगा। आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें कह रहा 5.6 लीटर हीलियम गैस एट एसटीपी इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 0.7 लीटर टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू बी T1। द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वर्क डन पूछा है। ये कब का क्वेश्चन है अपना, ये है 2011 पेपर 1 का है, अगर आप डाउनलोड करिएगा तो देखिएगा। इनिशियल इसका सारी वैल्यू नोट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली अगर नोट करेंगे तो इनिशियल जो है वैल्यूम इसका कितना दिया है, हमारा इनिशियल वैल्यूम दिया है, इनिशियल वैल्यूम V1 दिया है 0.5, इनिशियल वैल्यूम दिया है इसमें, देखो इनिशियल वैल्यूम V1 कितना दिया 5.6 लीटर और V2 कितना दिया है हमारा 0.7 लीटर। मेरी बात समझे, इसका इनिशियल में टेम्परेचर कितना है T1 और बाद का टेम्परेचर अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें सिंपली वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, एन आर ब्रैकेट में T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अच्छा ये हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है, ये आपको पहले से लर्न होगा, मोनो एटॉमिक गैस हीलियम है ना, तो इसके लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 5/3 होती है, ठीक है। और इसमें जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इधर T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, हमको T2 चाहिए तो हम ऐसे लिखते हैं T2 अपॉन T1, मतलब इसको इधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा V1 अपॉन V2 की पावर कितना हो जाएगा, होल पावर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, गामा माइनस 1। यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ रखेंगे 5.6 लीटर और यहाँ पर 0.7 लीटर, अब इसको करिए 5/3 - 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल अगर ऊपर नीचे से हटाएंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे 3, तो 5 - 3 कितना आएगा 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2^3, इसका होल पावर कितना है 2/3, पावर को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2^2 आएगा, 2^2 कितना होगा हमारा 4 होगा, यानी T2 अपॉन T1 कितना आ गया, T2 अपॉन T1 कितना आ गया हमारा, T2 अपॉन T1 कितना आ गया 4 आ गया, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4T1 हो जाएगा। मेरी बात समझे, सिंपली इसमें रखना जरा, ठीक है, अब सारी वैल्यू इसमें सिंपली रखना है, R के टर्म में दिया, अच्छा N भी मैं बता देता हूँ, N इस तरीके से आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वैल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, मूल कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, डिवाइडेड बाई 22.4, कितना लीटर ले रहा है 5.6 लीटर हीलियम गैस है ना,
5.6 डिवाइडेड बाई, ये ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला होता है लीटर में ही रखते हैं, 22.4। एक काम करते हैं ऊपर कर लेते हैं 56, नीचे कर लेते हैं 224। ये मेरा तरीका, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी 4 से करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करके देखिए 224 आएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा तो 1/4 आएगा। 1/4 कितना होगा, 0.25। इसको भी मैं सिंपल तरीके से करता हूँ, बताऊँ कैसे करते हैं हम, तो कैलकुलेशन का तरीका ऐसे है, 1/4 है तो ऊपर 100 कर लेते हैं और नीचे भी 100 कर लेते हैं, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 25, दो जीरो है तो यहाँ दशमलव लग गया तो 0.25। लेकिन कैलकुलेशन मेरा सीखने की जरूरत नहीं है, मेथड सीखिए बस। कैलकुलेशन जिस तरीके से आप प्रैक्टिस अभी तक किए हैं आगे भी वैसे ही करिए, है ना। देखिए तो इसमें सारी वैल्यू हमको पता चल गया, इसमें कितना है 0.25। 1/4 रखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, है ना, डेसिमल में रखने की जरूरत नहीं है। ये रखिए 1/4, एन की वैल्यू आर रहने दीजिए। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आएगा हमारा, T1 - 4T1 डिवाइडेड बाई गामा, 5/3 - 1। 5/3 - 1 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 3 LCM हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, तो 2/3, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब तो पेज भरी गया है, आगे ही करना पड़ेगा ना, तो आ जाओ आगे ही कर लो। ये कितना है 1/4 × ये हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3T1, है ना। देखो जरा तो ये कितना हो जाएगा, R भी था 9R T1 / 8। अच्छा कंप्रेस किया जा रहा था तो वर्क डन निगेटिव होगा, तो माइनस में कंफ्यूज नहीं होगा, सर ये माइनस के कहाँ से आ गया, है ना। तो ये 9/8 R T1 आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ गए, तो देख रहे हो एकदम बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन लग रहे हैं। ये एडियाबेटिक का एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पता है इसमें ये फॉर्मूला आप लर्न रखे रहिएगा। W = क्या होता है हमारा, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P1 - P2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, γ - 1। यहां इसको लिख सकते हैं NRT1 PV के जगह और -NRT2 डिवाइडेड बाई γ - 1। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, NRT1 - T2 डिवाइडेड बाई γ - 1। मेरी बात समझे कि नहीं। अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, वही बना लेना, सीख लो कैसे बनाते हैं। और क्या याद करना, गामा की वैल्यू क्या होती है, CP/CV होती है, और CV की वैल्यू क्या होता है हमारा, FR / 2, और CP की वैल्यू, CP - CV = कितना होता है, R। तो यहां से हम CP निकाल सकते हैं, CP की वैल्यू कितनी हो जाएगा, CV + R। यहां पर क्या रखना है, FR / 2। मेरी बात समझे, और यहां से गामा की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। देखो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, मेरी बात, मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, F की बात कर रहा हूँ, और पॉली एटॉमिक के लिए 6 होता है। जैसे ये मत सोचना कि अगर जेई एडवांस है, अगर CO2 के बारे में बात कर ले, ट्राई एटॉमिक है, होना चाहिए 6 लेकिन 5 होगा, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर बनता है इसका, ध्यान रखे रहना। तो इसका जेई एडवांस में यही तो है कॉन्सेप्ट, काफी डीपली क्लियर होने से ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है PV की पावर γ = कॉन्स्टेंट होता है, और इसको TV में लिखेंगे तो ये हो जाएगा TV की पावर γ - 1 = कॉन्स्टेंट। इसको PT में भी लिख सकते हैं। तो इतने बेसिक फंडामेंटल्स जिसको याद होगा वो सिंपली यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर लिया होगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, इसे इजी ही मान के चलेंगे। हाँ इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री यूज कर लिया है क्या, कि मोल कॉन्सेप्ट में नहीं जो पढ़ते हैं एन निकालने के लिए weight/molecular mass, एन निकालते हैं N/NA, ठीक है, और एक एन निकालते हैं volume of gas / 22.4, ये STP और NTP पे निकालते हैं, वैल्यूम ऑफ गैस ऑलवेज इन लीटर, दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैस, मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, देख रहे हो ये फिजिक्स। तो मतलब तीनों सब्जेक्ट वैसे भी कमांड बनाना, अगर तीनों पे कमांड नहीं बनाते हो तो एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए जेई एडवांस आपका क्लियर तो होगा नहीं। तो ये चीज तो माइंड में सेट करके जाना है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेसिक फंडामेंटल पूरे क्लियर करके जाना है, इजी और मॉडरेटेड लेवल का ही करके जाएं, लेकिन कोई बात नहीं उतना करके जाएं, आप कट ऑफ क्लियर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, देख लो भैया 2012 का पेपर 1 का। इसमें क्या कह रहा है मैं पढ़ के बताता हूँ, ये कह रहा मिक्सचर ऑफ 2 moles ऑफ हीलियम गैस, एटॉमिक मास कितना दिया है 4 AMU, एंड 1 mole ऑफ आर्गन गैस, एटॉमिक मास कितना दिया है 4 AMU, केप्ड एट 300 केल्विन इन अ कंटेनर, द रेशियो ऑफ RMS स्पीड। अच्छा बताओ RMS स्पीड का जो फॉर्मूला होता है VRMS, ये क्या होता है हमारा, अंडर रूट
3RT अपॉन एम होता है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वी आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो किसका रेशियो पूछा है, हीलियम का ऊपर पूछा है, तो वी आर एम एस अपॉन वी आर एम एस पहले लिख लेता हूँ। ये किसके लिए है, ऊपर क्या ले रहा है हीलियम के लिए और नीचे क्या ले रहा है आर्गन के लिए, तो मॉलिक्यूलर वेट उल्टा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर किसका हो जाएगा आर्गन का और नीचे किसका हो जाएगा हीलियम का। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है हमारा 40, तो यहाँ सिंपली रख दो। तो इसमें सिंपली क्या करना है, वैल्यू रखना है, तो रख दो भैया यहाँ पर रखेंगे 40 क्योंकि ये 40 दिया है, और यहाँ पर क्या रखेंगे कितना दिया है 4, तो ये नहीं दिया होता तो भी याद होता है, तो ये कट जाएगा तो रूट में 10 आएगा, और रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है 3.16, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन सिंपली करेक्ट हो गया। देखो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन किया लेकिन 2 तो बिल्कुल ही इजी था, समझे कि हर चैप्टर इसीलिए पढ़ के जाना, कोई चैप्टर छोड़ के जाने की जरूरत है, चैप्टर वो छोड़ के जाता है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमांड बनाया है, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए नहीं छोड़ के आएगा। लेकिन अगर जो बच्चे एवरेज और थोड़े वीक हैं वो सोच रहे हैं मैं भी जेई एडवांस में जाऊँ, तो वो मॉडरेटेड और ईजी लेवल के क्वेश्चन के दम पर वो जेई एडवांस क्लियर करते हैं, तो उनको कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, ईजी और मॉडरेटेड लेवल की प्रैक्टिस सारे चैप्टर के करके जाने हैं। ये देखो ये जेई एडवांस 2012 पेपर 2 का है, हम अभी सिंगल टाइप वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना सर ये कहाँ से ढूंढ के लाया, मैं वन सिंगल टाइप वाला आज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगने लगे तो इसको सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट भी करो, मैं गजब का सारे लगभग कंक्लूजन वाले वीडियो डालने लगूंगा जेई एडवांस के, जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में बेहतरीन तरीके से कराता हूँ। तो मेरे चैनल को थोड़े शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ें और व्यू आए, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, मैं डालूंगा अच्छा एक एक नंबर का क्वेश्चन, है ना। देखो इसमें क्या करने वाले हम, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भैया देखो जरा, इसमें कह रहा है 2 moles ऑफ एन आइडियल हीलियम गैस आर रबर बैलून एट 30°C, द बैलून इज फुल्ली एक्सपेंडेबल, ये क्या हो रहा है एक्सपेंडेबल, कैन बी एज्यूम टू बी रिक्वायर अ एनर्जी इट्स इन इट्स एक्सपेंशन, द टेम्परेचर ऑफ गैस इन द बैलून स्लोली चेंज टू 35°C, स्लोली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ required energy to raise the temperature, ठीक है। तो इसको इतना temperature raise करने में amount of heat पूछ रहा है, तो simple formula हम लोग क्या पढ़ते हैं, Q equal to NC temperature difference को delta T लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये depend करता है यहाँ की CP लेंगे कि CV लेंगे, तो ये बात बताओ expendable है तो volume increase हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो कंडीशन क्या है प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है हमारा तो आइसोबारिक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर सीपी यूज कर लेंगे, सॉल्व हो गया, है ना। सीपी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, सीपी की वैल्यू क्या होता है सीवी प्लस आर, ये क्या होता है हमारा एफ आर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का आर सिंपली। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होता है, हीलियम गैस है तो इसका हो जाएगा 3R डिवाइडेड बाई 2 प्लस का R, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाई 2, सिंपल रखिए जरा, तो Q का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा N 5R डिवाइडेड बाई 2, टेम्परेचर डिफरेंस को डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 273 शुरू में भी ऐड करेंगे बाद में भी ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो वो उस कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना ना, यही सब वहां देखा जाता है एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। तो 35 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसमें वैल्यू कितना दिया हमारा 2 moles, तो n की वैल्यू कितना रखना है 2 moles, ये हो जाएगा 5/2, ये 2 से 2 कट गया, r की वैल्यू कितनी है 8.314, यही दिया 8.31 सिर्फ दिया है, इसको हटा दो इंटू 5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 × 8.31, है ना। तो देखो मैं तो ऐसे करेंगे, ये अगर 25 8 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 200 आएगा, और 8.3 की वजह से तो ये 62 है, 124 है, 104 है, मुझे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप कर भी सकते हैं, तो ये कितना आएगा 200 के ऊपर ही आएगा, तो इसमें डी ऑप्शन सिंपली करेक्ट हो गया, ये भी क्वेश्चन ईजी ही मान के चलेंगे, मेरी बात समझ रहे हो। तो जेई एडवांस के पैटर्न का प्रिपरेशन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप सिंगल टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या पूरे पेपर में ही प्रैक्टिस करें, लेकिन जो इजी और मॉडरेटेड है जो आपसे लग रहे हैं उसे जरूर लगाइए, जो बिल्कुल कठिन है आपसे नहीं लग रहा है उसको लगाने की बिल्कुल
टाइम में जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो कठिन वाले तब प्रैक्टिस करते हैं जब 2 ईयर या 1 ईयर का प्रोग्राम करते हैं, डीपली पढ़ाया जाता है उनको, वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लालच में पढ़ेंगे तो आपसे सीट मिस हो जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ के जाएंगे ना तो जस्ट JEE एडवांस क्लियर कर लेंगे, बहुत खुशी होगा आपको, एक JEE एडवांस में आपको सीट मिल जाएगा। ये JEE एडवांस 2013 का है, देख रहे हो मैं 13 पे आ गया, मैं शुरू से 2008 से करा रहा था, है ना। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, देखो इसमें कह रहा कि 2 नॉन रिएक्टिव मोनो एटोमिक गैस, मोनो एटोमिक बोल रहा, आइडियल गैस हैव देयर एटोमिक मासेस रेशियो, एटोमिक मास का रेशियो दिया है, देयर पार्शियल प्रेशर इनक्लोज इन द वेसल केप्ट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 4:3 द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। मेरी बात समझे, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता था, ये पी वी इक्वल टू कितना होता है NRT, ठीक है, N की वैल्यू क्या लगाते हैं, मास अपॉन मॉलिकुलर मास या वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, केमिस्ट्री वाले कंफ्यूज ना हो, तो PVA हो गया, PV इक्वल टू, है ना। अब बताओ PM इधर लाइए आप और ये इधर आ जाएगा M डिवाइडेड बाई VRT, तो मास अपॉन वैल्यूम क्या होता है डेंसिटी, ये हो जाएगा RT, तो ये हो जाएगा PM। ये RT कांस्टेंट होता है, अगर मैं इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं P1 m1 डिवाइडेड बाई P2 m2 इक्वल टू D1 upon D2, ये डेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो इसमें क्या दिया था, एटॉमिक मास का रेशियो, प्रेशर का भी तो दिया था, ये 4:3 है ना, सॉरी कलर वाइट है ना, 4:3 है ना। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे 4:3 प्रेशर का रेशियो और एटॉमिक मास का रेशियो कितना दिया है 2:3, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी D1 upon D2, तो ये कितना हो जाएगा 8/9 आएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी हम इजी में ही कंसीडर करेंगे, ये मॉडरेटेड नहीं कर सकते, क्योंकि PV बराबर NRT अगर किसी में यूज हो रहा था उसे इजी ही मान के चलेंगे, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये JEE एडवांस 2013 का है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंड्रिकल विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन इन अ इनिशियल थर्मोडाइनेमिक स्टेट, प्रेशर P1 दिया है 10^5 पास्कल, वैल्यूम V1 दिया है 10^-3 m³, चेंज टू फाइनल स्टेट एट P final 1/30 इंटू 10^5 पास्कल, वैल्यूम कितना दिया है हमारा 8×10^-3 m² मीटर स्क्वायर लिख दिया है वैल्यूम में, गलत है, ठीक है मीटर क्यूब होगा, ये टाइप में मिस्टेक हो गया होगा। इन द एडियाबेटिक क्विसी स्टेटिक प्रोसेस सच दैट P^3 V^5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कंसिडर अनदर थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग अ सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट इन 2 स्टेप एंड आइसोबारिक एक्सपेंशन P1, ठीक है, एंड आइसोकोरिक वैल्यूम कॉन्स्टेंट प्रोसेस V final, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन द 2-स्टेप प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली। ये है JEE एडवांस 2016 का पेपर 2 का क्वेश्चन, इसे मॉडरेटेड कह सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकन वाला है, लेकिन अगर आप कहें कठिन है तो मैं इसे कठिन नहीं कह सकता हूँ। इसमें कह रहा है 2 प्रोसेस में क्यों निकालना है ना, मैं आपको यहाँ प्रोसेस पहले बता देते हैं क्यों 2 स्टेप में लगाना है, तो इसे लिखेंगे Q1 + Q2। एक बार क्या कह रहा है हमारा, आइसोबारिक प्रोसेस है तो यहाँ लगेगा NCP dT लगेगा, और एक बार आइसोकोरिक है तो ये लगेगा NCV dT लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, मतलब पहले स्टेट से पहले इनिशियल, देखो इनिशियल हमारा जो प्रेशर है वो कितना दिया है 10^5 पास्कल, और इनिशियल वैल्यूम जो है वो कितना दिया है हमारा 10^-3 m³, और फाइनल प्रेशर जो है वो है 1/32×10^5 पास्कल, ठीक है पास्कल, और फाइनल वैल्यूम जो दिया है वो दिया है 8×10^-3 m³। मेरी बात समझे कि नहीं, पहले वाले प्रोसेस में कह रहा कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैंने समझाता हूँ कि पहले प्रेशर कांस्टेंट है तो पहले वाले प्रोसेस में 1 से कहाँ गया 2, इनिशियल प्रेशर P1 को कांस्टेंट रखेंगे, इसके बाद 2 से कहाँ जाएंगे 3, तो इस बार वैल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, कौन सा कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट है, इनिशियल वैल्यूम कितना है 10^-3 m³, यहाँ आया तो कितना हो गया 8×10^-3 m³,
अब इस वाले प्रोसेस में जाएगा, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पर प्रेशर कितना था 10^5 पास्कल, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 10^5 पास्कल। लेकिन जब यहाँ पर आएगा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ 8^3 है, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 10^-3 m³ हो जाएगा। प्रेशर चेंज हो जाएगा, ये प्रेशर कितना हो जाएगा 1/32 × 10^5 पास्कल हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? ये चीज अगर जिसको समझ में आ गया वो इजीली कर सकता है। यहां पर प्रेशर क्या है कांस्टेंट, यहां पर क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इस तरीके से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो डायरेक्टली रिजॉल्व हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा, है ना? ठीक है, इसको मैं रिजॉल्व करता हूं। देखो यहां पर मैं क्या कह रहा था, क्यू की वैल्यू क्या यूज करना है, NCP dT। ठीक है, तो ये क्या है हमारा NCV dT। ठीक है, ये क्या लिया है हमारा, Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Q की वैल्यू क्या होगा NCP dT + NCV dT। ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3, तो CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3R/2 और CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब 5R/2। सिंपली अगर इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा N5R/2 dT + N3R/2 dT। मेरी बात समझे? तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5/2 NR dT। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3/2 NR dT हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? ये NR dT के जगह हम क्या रख सकते हैं, PV इक्वल टू क्या होता है हमारा NRT होता है। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा PdV = NRdT लिख सकते हैं। मेरी बात समझे? अगर V के डिफरेंशियल में लिखेंगे तो VdP = NRdT लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो ये डिफरेंशियल फॉर्म आपको याद होगा, है ना? तो ये पहले वाले प्रोसेस में कह रहा था प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वैल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 हो रहा है। दूसरे वाले प्रोसेस में वैल्यूम को कांस्टेंट कर रहा है तो P1 से क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर वैल्यूम डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर रखने वाले हैं 5/2। पहले वाले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ रखिए PdV और इसमें क्या रखने हैं N3/2 NRdT, इसमें रखने वाले हैं VdP। क्या रखने वाले? VdP। प्रेशर कांस्टेंट है, सिंपली इसमें वैल्यू रखना सिखा देते हैं, अगले पेज पे चलते ज्यादा सही रहेगा। नहीं, क्यू की वैल्यू जो आ गई अपनी, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 5/2 PdV, और ये आ गया 3/2 VdP। मेरी बात समझे? अब इसमें 5/2 इनिशियल में प्रेशर कितना था, क्वेश्चन में आ जाओ, इनिशियल में प्रेशर 10^5 पास्कल है, तो यहां पर रखो जरा, ये हो जाएगा 10^5 पास्कल और वॉल्यूम का डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 10^-3 − 10^-3, यही वॉल्यूम है। देख लीजिए एक बार, रीचेक कर लेते हैं, पहले वॉल्यूम कितना है 10^-3, बाद में 8 × 10^-3 हो गया, है ना? ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, यहां कितना हो जाएगा 3/2, वॉल्यूम फाइनल कितना है हमारा 8 × 10^-3 और प्रेशर का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 1/32 × 10^5 पास्कल है और यहां पर क्या है 10^5 पास्कल है फाइनल में। अब इसमें क्या क्या हो रहा है देखो जरा, 5/2 × 10^5, इसमें से 10^-3 कॉमन ले लेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 8 − 1 कितना होगा 7 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 3/2 और ये हो जाएगा 8 × 10^-3, 10^5 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10^5 कितना हो जाएगा हमारा 1/32 − 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ठीक है। देखो इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना, ऐसे कर लो 5/2 और ये × 700 हो जाएगा ठीक है। इसको लिख लो 3/2 ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो ज़्यादा सही है, तो ये कितना हो जाएगा 800 / 32 − 800 ठीक है।
इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आएगा, ये आएगा 587.5। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये ऑप्शन मैच कराते 587.5, देखना 587, अच्छा 0.5, उसको सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे तो एक डिजिट पहले, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके कैलकुलेशन है, इसको कठिन नहीं, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, मॉडरेटेड बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, है ना, ताकि लगाने में आपको समय लगे। ये जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एन आइडियल गैस अंडरगोज 4-स्टेप साइकिल एज सोन इन द पीवी डायग्राम ड्यूरिंग द साइकिल, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। इसमें कह रहा है हीट एब्जॉर्ब किस प्रोसेस में हो रहा है ना, तो पहला प्रोसेस है ये, ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले प्रोसेस के लिए बात करते हैं। पहले वाले अगर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है हमारा, एनआरटी होता है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहां पर वैल्यूम इधर से इधर जाएगा तो वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। और इसमें हम लोग क्यू की वैल्यू क्या यूज करते हैं, एन सी पी डी टी यूज करते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरे वाले प्रोसेस में आते हैं, दूसरे वाले प्रोसेस में वैल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो इसको लिखेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्या लिखेंगे एन आर टी, वैल्यूम कॉन्स्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। जैसे जैसे देखो नीचे आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। यहाँ Q का वैल्यू क्या यूज करेंगे, एन सी वी डी टी यूज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा, टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से Q की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट है ना, और प्रेशर कॉन्स्टेंट तो यही समझ लेते हैं प्रोसेस थ्री को, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो ये देखो जब इधर जाएंगे हम प्रेशर क्या करेंगे, हम लोग डिक्रीज करेंगे, ये प्रेशर कह रहा है वैल्यूम, ये वैल्यूम जब डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर हमारा डिक्रीज होगा हमारा, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो थ्री वाले प्रोसेस में क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फोर्थ वाला प्रोसेस यहीं डिस्कस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड है। ये ऊपर जा रहा तो वैल्यूम क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, अब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आएगा, तो यहां से क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैं इसमें फिलहाल लिख देता हूं, ठीक है, देखिए इस वाले प्रोसेस में यहां क्यू की वैल्यू क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले प्रोसेस में पॉजिटिव आ रहा है, सेकेंड वाले प्रोसेस में क्यू की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, और थर्ड वाले प्रोसेस में क्यू की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, फोर्थ वाले प्रोसेस में क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। इसमें कह रहा है किसमें हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसे पॉजिटिव साइन लेते हैं, और रिलीज करता है तो निगेटिव साइन लेते हैं, यानी फर्स्ट और फोर्थ प्रोसेस करेक्ट है, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। मेरी बात समझ गए कि नहीं।